एक्वेरियस कुंभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं जनवरी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूं। हम देखेंगे कि जनवरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। और वीडियो के लास्ट में बिल्कुल हम देखेंगे आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं लास्ट में पुल आउट करूंगी हैंड रिटन मैसेजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आप लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके। अपने प्रभु को याद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेजेस दें, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं वो आपको बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ राशि जनवरी 2022 पर्सनल लव लाइफ कैसी रहेगी? मेरे जितने भी व्यूवर्स एक्वेरियस राशि देख रहे हैं, कैसी रहेगी उनकी पर्सनल लव लाइफ? थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू, कैसी रहेगी उनकी पर्सनल लव लाइफ? थैंक यू, थैंक यू। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड। ये कार्ड आना चाहता है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और देखते हैं हम, मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके, जो मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत सारी हीलिंग। ये वुंडेड हार्ट है, समझ रहे हैं आप, जख्मी हार्ट जिस पर बहुत मैं कहूँगी धोखेबाजी झेली है इस दिल ने, बहुत कुछ झेला है इस दिल ने, बहुत हार्ट एक है ये, समझ रहे हैं मेरी बात, दिल में बहुत दर्द। लेकिन ये जो मुझे वाइब्स दे रहा है ना, ये दे रहा है वो हीलिंग की। ये स्ट्रॉन्ग निकल चुका है, ये स्ट्रॉम आ नहीं रहा है, ये जो चीज़ें थी ये निकल चुकी हैं, अब आ रहा है हीलिंग। तो ये वाइब्स मुझे आ रही हैं हीलिंग की, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक न्यू स्टार्ट आपका, एक ही मतलब हीलिंग हार्ट के साथ। तो यहाँ पे जो ये मंथ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपके हार्ट को हील कर रहे हैं, और ये जिस भी बोझ तले आप दबे हुए हैं, या मैं कहूँगी जो भी भार ढो करके आप चल रहे हैं ना, उसका अंत, क्योंकि ये टेन नंबर है, टेन नंबर अंत और शुरुआत दोनों चीज़ों की दिखाता है। जहाँ किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, वहीं एक नई शुरुआत भी हो रही है, न्यू बिगनिंग भी हो रही है। वाओ, ये देखिए अपने आप फ्लिप हुआ है, द एम्प्रेस, और ये है एक अपनी पावर में आना, समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए मैंने आपको बोला ना, ये एनर्जी ये पास्ट की है, ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी है। कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते थे, जो आपकी लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ छल कपट करा है, आपकी पीठ पीछे छुरा खोपा है, समझ रहे हैं, आपको धोखा दिया गया है। कुछ लोग लिटरली मैं कहूँगी कार्मिक से रिलीज हुए हैं, या कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे। लेकिन बिलीव नहीं, जिनके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, या जिन लोगों को भी आप पीछे छोड़ करके आगे आए हैं, वो लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं थे।
वो लोग बिल्कुल भी आपके हितकर नहीं थे, समझिए आप मेरी बात। और देखिए यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हुई हैं, ये आपके अच्छे के लिए चेंज हुई हैं, ये डिस्टाइंट थी, ये जो समय बदल रहा है ये देख रहे हैं आप, ये आपके अच्छे के लिए बदल रहा है, ये आपके अच्छे के लिए समय बदल रहा है। जो बैड सिचुएशंस थी वो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि गुड लक अब आपके साथ है। जब गुड लक आता है ना, जब स्थिति बदलती है, जब आपके अच्छे कर्मास, गुड कर्मास का रिजल्ट आपको मिलता है, तब ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी टिक नहीं पाती हैं, उनको यूनिवर्स आपकी लाइफ से बिल्कुल आउट कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो जो आपको सर्व नहीं करता, समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो बर्डन वो रिलीज हो रहा है बेसिकली आपकी लाइफ से, उस बर्डन को आप रिलीज कर रहे हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूँगी। और इसके साथ ही साथ आप ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, एक नर्चरिंग, ये मदर गाया की एनर्जी है। एक ये जो लेडी है, आप में से बहुत लोग हो सकते हैं, आप मैरिड हों, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। और या तो ये है अपनी पावर में आना, आप में वो एबिलिटी है। कुछ लोग यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस, अगर आप लेडी भी हैं या इट डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ आप खुद का बिजनेस हो सकता है स्टार्ट कर रहे हो, या बेसिकली ये मैं कहूँगी अपनी पावर में आना, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात। और यस, और ये बहुत ही एक कंफर्टेबल जोन है। अभी तक आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं आपने, बहुत बोझ ढोया है, बहुत स्ट्रेस लिया है आपने, बहुत आपके दिल को दर्द हुआ है, समझ रहे हैं। कुछ लोग तो मैं कहूँगी कि फिज़िकली भी बहुत अब टायर्ड हो चुके हैं इन सब चीज़ों को झेलते झेलते, तो डोंट वरी, अब वो चीज़ें एंड हो रही हैं और आप यहाँ मुझे अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, ये वो पावर है, एक होता है ना कि हमने बहुत कुछ झेला लेकिन उसके बाद हमारी ही स्थिति ऐसी हो गई कि हम जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या होती है, एक बहुत ही हम कहें कि रूड एक लेडी, समझ रहे हैं, उसके अंदर पावर है, वो पावरफुल है लेकिन वो एक रूड वे में, लेकिन ये बहुत ही नर्चर है। ये मैं कह रही हूँ ना, अगर आप इस एनर्जी में थे, अगर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, तो आपकी फेमिनिन साइड यहाँ पे ओपन हो रही है। लिटरली मैं देखा जाए तो यहाँ पे आपका हार्ट हील हो रहा है और ओपन हो रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ जो एनर्जी आ रही है इसे देख करके हीलिंग की एनर्जी आ रही है, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो हीलिंग की एनर्जी भी होती है। कुछ लोगों की लाइफ में मैं कहूँगी यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, तो वो यहाँ से आउट हो रही है, थर्ड पार्टी को लेकर के जो भी मैटर था वो क्लियर आउट हो रहा है। यस, और देखते हैं आपके लिए क्या है। आई डोंट नो, वैसे ये इनफ था, लेकिन मुझे हुआ हो सकता है आपके लिए कुछ और भी मैसेजेस हैं यहाँ पे। यस ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है, ये देखिए, दैट्स वाई मैंने शफल करा है अगेन 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 बॉटम ऑफ द डेक। देख रहे हैं कितने अनहेल्दी पीपल्स, अगेन आपको यूनिवर्स, ये देखिए अगेन यही दोनों कार्ड्स हैं, यही दोनों कार्ड्स हैं डियर। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हुआ है, डोंट वरी डोंट वरी। ये देख रहे हैं जजमेंट का कार्ड, कुछ कार्मिक था, कुछ चीज़ें कार्मिक थी आपकी, आपको लेसन दिलाने के लिए आई थी, आपको कुछ सीख देने के लिए आई थी, और अब आपने वो सीख ले ली है। हैप्पी हो जाइए, अब आपने वो सीख ले ली है। ये देख रहे हैं ये अभी क्लोज है, ये अपने आप को ब्लॉक करके बैठा है ये पर्सन। तो अभी इस एनर्जी में, अगर आप जनवरी से पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आप इस एनर्जी में है कि आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, अपने हार्ट को ब्लॉक कर रखा है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे वो हीलिंग हो रही है आपकी, जनवरी मंथ में आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट ओपन हो रहा है,
और आप इतने वेलकमिंग हो रहे हैं, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में वापस आ रहे हैं। अगर आप मेल फिगर हैं तो आपकी फेमिनिन साइड ब्लॉसम हो रही है, और ये देख रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक लग्जरियस लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, अपने एक्सपेंसेस खुद उठाना, अपनों की भी आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट एनर्जी है ये लेडी, इसके पास सब कुछ है, ये सेटिस्फाइड है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना, यहाँ आप अपनी पावर में आ रहे हैं। अगर वो बर्डन, ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी सिचुएशन है, वो एंड हो रही है ना, तो यहाँ एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग भी हो रही है। और यहाँ पे जजमेंट यही बता रहा है, जो भी पास्ट में आपका हुआ है वो कार्मिक था, कर्मा था, वो अब रिलीज हो रहा है, आपको लेसन सिखाने के लिए आया था। वो लोग जो भी आए थे आपकी लाइफ में, वो कुछ लेसन सिखाने के लिए आए थे। अब वो चीज़ें, अब आपने वो लेसन सीख लिया है। और जो लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं है, ट्विन फ्लेम में थे, वो सोलमेट कनेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये मैं कहूँगी इसको देख करके ना मुझे रिकंसिलिएशन की एनर्जी भी मिल रही है। इसको देख करके मुझे रिकंसिलिएशन की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये रिबर्थ की एनर्जी है। ये ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जो कार्मिक नहीं था, समझ रहे हैं मेरी बात, जो अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं, जहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी एक दूसरे के बीच में, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कहूँगी आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है, और यस, आपका यहाँ पे रीबर्थ तो डेफिनेटली है। अभी तक वो एनर्जीज जो डेड हो चुकी थी, वो ख्वाहिशें जो डेड हो चुकी थी आपकी, वो दोबारा से जाग रही हैं। और हमेशा समझिएगा कि रीबर्थ कब होता है, जब किसी चीज़ की डेथ होता है तभी कोई रीबर्थ होता है ना, तो उससे पहले वो डेथ के दौर से निकलना, गुजरना ज़रूर है, ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ या तो कुछ लोग उस एनर्जी से निकले हैं या निकल रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों का ये पास्ट था, समझ रहे हैं, ये लोग निकल चुके हैं, अब बस आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है, आपका रीबर्थ हो रहा है यहाँ पे। और यस, यहाँ पे बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस नज़र आ रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए एक न्यू बिगनिंग की, एक मैं कहूँगी इंडिपेंडेंट लाइफ की, या मैं कहूँगी एक वो क्यूरिंग, क्योंकि एम्प्रेस के पास क्या नहीं है, ये एक ऐसी लेडी है जो बहुत ही नर्चर है, गिविंग है, अपना तो ख्याल रखा ही है, उसके साथ ही साथ दूसरों का भी ख्याल रखा है, बहुत विजडम है इस लेडी के पास। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लेडी हो, मेल हो या फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, दूसरों का भी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, इसी के साथ ही साथ बहुत सारा नॉलेज है, विजडम है इनके पास। और यस, जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कंसीव के लिए, तो यहाँ पे वो भी मैनिफेस्टेशन हो रही है, फर्टिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि वीनस का है। और वीनस का देखिए, ये भी, ये वीनस का साइन है, बहुत सारी लग्जरी लाइफ, लग्जरियस चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जनवरी मंथ में। और ये देख रहे हैं, ये आप अपने बलबूते करेंगे, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अपने बलबूते, आप इतने कैपेबल हैं, अपने पे ध्यान देना, अपनी खुशी पे ध्यान देना, अपना मैं कहूँगी वो इंडिपेंडेंट एनर्जी, कि यस आप वो सब कर सकते हैं, और उसी से ही अपनी लाइफ में वो खुशियाँ लाना, वो अबंडेंस लाना, वो प्रोस्पैरिटी लाना, एक कंप्लीट, तभी यहाँ पे रिबर्थ की भी एनर्जी है, तभी यहाँ पे रिबर्थ की भी एनर्जी है। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप ऐसे मोड़ पे था कि ख़त्म होने की कगार पे था, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ आप लोगों का रिकंसिलिएशन। जो भी चीज़ें आई थी आपको कुछ सीख देने के लिए आई थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपने लेसन लर्न कर लिया है, बस अब हीलिंग प्रोसेस बाकी है, हीलिंग प्रोसेस बाकी है। ये हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिकंसिलिएशन है, क्योंकि हील होना हार्ट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पास्ट का वोंडेड हार्ट है उसके साथ हम न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते हैं जब तक हम उन चीज़ों को हील नहीं कर लेते। क्योंकि मेरे एक क्लाइंट ने भी मुझसे पूछा था कि
हार्ट को हील करने की क्या ज़रूरत है एक न्यू बिगनिंग के लिए. तो जब तक आपका पास्ट हार्ट जो वुंडेड है, जो जख्म है, वो भर नहीं जाते, तब तक आप खुले दिल के साथ नए जीवन को स्वीकार नहीं कर सकते, या मैं कहूँगी नए रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकते. वो जो जख्म है या वो दर्द जो है वो दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं रहता है, और वो टीस जो है वो उठ उठ कर अगेन दोबारा से बाहर आती है. तो उससे जो है आपका जो नया रिश्ता है वो इफ़ेक्टेड होता है. तो यहाँ पे हीलिंग मस्ट है. यहाँ पे जैसे ही आपकी हीलिंग होगी तभी वो नई शुरुआत हो रही है. उस बोझ को आप रिलीज़ कर रहे हैं और इन जैसे लोगों को आप रिलीज़ कर रहे हैं. डोंट वरी, सी ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. यहाँ पे लक आपके साथ है, गुड लक आपके साथ है. यहाँ पे मैं ये कार्ड ज़रूर रखना चाहूँगी, गुड लक आपके साथ है. और ये देख रहे हैं, ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी, एक फुलफिलमेंट, एक अपने परिवार के साथ एक खुशी भरा समय बिताना, या मैं कहूँगी ये इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है. समझ रहे हैं, वो सेटिस्फेक्शन मिलना इमोशनली दिल से अंदर से. और वो तभी होगा ना जब ये हार्ट हील होगा और जब कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से आउट होंगे, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं. तो लग जाइए, मैं तो कह रही हूँ अभी से लग जाइए अपने हार्ट को हील करने में. आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हीलिंग हार्ट्स के लिए, आपको मेडिटेशन मिल जाएगी, ठीक है, साउंड मेडिटेशंस होती हैं, उन्हें कीजिए, देखिए आप कैसे ब्लॉसम होते हैं और आपकी लाइफ कैसे ब्लॉसम होती है. वर्क करना पड़ता है फ्रेंड्स, थोड़ा काम करना पड़ता है अपने आप पे, ठीक है. अब मैं देखती हूँ आपके लिए आपकी करियर कैसा रहेगा, ठीक है. मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में मैं कुछ आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस पुल आउट करूँगी जो डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से होंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, आपको मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं. और यहाँ थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच. एक्वेरियस कुंभ राशि, क्या मैसेजेस हैं, क्या आ रहा है उनके लिए, कैसा रहेगा करियर जनवरी 2022. मेरे जितने भी व्यूवर्स एक्वेरियस कुंभ राशि वाले देख रहे हैं, उनके लिए उनके करियर कैसा रहेगा जनवरी 2022 में, प्लीज गाइड कीजिए. थैंक यू सो मच. कैसा रहेगा करियर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी. जब भी किंग ऑफ कप्स या करियर में आता है तो ये बहुत ही मैं कहूँगी ब्यूटिफुल. ओके, द टावर, द टावर, ओके. टू ऑफ पेंटिकल्स, बिजी, ओके. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. यस यस, ब्यूटिफुल. करियर, यहाँ पे विद द टावर कार्ड, यहाँ मुझे आपके करियर में एक सडन चेंज लग रहा है. क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस जगह पे आप इस समय वर्क कर रहे हैं, या तो वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या फिर मैं कहूँगी कि आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है. आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हैं, क्योंकि वो आपके अच्छे में नहीं है. या किसी तरीके से मैं कहूँगी अगर आप में वो एबिलिटी है और आप ये चाहते हैं, या आपको ये पता होगा कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, लेकिन उस जगह पे वो आप चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या मैं कहूँगी उस पोजीशन को जो है आप अचीव नहीं कर पा रहे. लेकिन यहाँ पे हमारे पास द टावर का पार्ट है और वो यही बता रहा है सडन चेंज आना,
सडन कुछ ऐसा होना कि आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुछ ऐसा हो सकता है कि आप तुरंत या मैं कहूँगी या तो जॉब चेंज करें या करियर चेंज करें। और ये जो डिसीज़न है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स मैं कहूँगी आपको हो सकती है, और बैलेंस लाने में आपको थोड़ा सा उस वक्त डिसीज़न लेने में दिक्कत हो सकती है, समझ रहे हैं मेरी बात? जब ये चेंज हो, क्योंकि चेंज क्या है, कभी भी इजी नहीं होता है और कंफर्टेबल जोन में नहीं होता है, ये हमेशा आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन के बाहर का होता है, समझ रहे? कंफर्टेबल जोन के बाहर की चीज़ होती है हमेशा से ही ये चेंज जो है। तो थोड़ा बैलेंस लाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो भी चेंज आ रहा है ये देख रहे हैं, हो सकता है ये हमारे पास सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों को हो सकता है अपने होम टाउन से दूर जाकर के काम करना हो, कुछ इस तरह का चेंज जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, आप मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंज है और ये आपको क्या दिखा रहा है कि आप एक स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हैं और ऐसे अनहेल्दी लोगों से आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द डिविल का कार्ड है। तो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है, ये जो सडन चेंज है या ये जो भी चेंज आ रहा है आपके करियर में, ये आपके करियर के लिहाज से, आपकी स्टेबिलिटी के लिहाज से और आपकी गुडविल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। और ये भी दिखाई दे रहा है, ये जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे थोड़ी देर की आपकी होगी और उसे आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये आप देख ही रहे होंगे कितनी वंडरफुल एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, इसका अपने इमोशंस पे, किंग का अपने इमोशंस पे पूरा पूरा कंट्रोल होता है और ये कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशंस में बहकर कभी नहीं लेता है, समझ रहे मेरी बात? बहुत ही प्रैक्टिकल वे में डिसीजन लेता है। और यहाँ विद द टावर कार्ड ये इसकी नीड भी है, ये इसकी नीड भी है कि आपको दिल से नहीं सोचना उस वक्त, क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपके इमोशंस हाई हो जाएं, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके वो स्टेबिलिटी की तरफ आप ग्रो करेंगे। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब आप समझते हैं एक हायर पोजीशन की तरफ जाना, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना, अपने पैशन की तरफ जाना, जो वो काम करना जिससे आपको दिल से खुशी मिलती है। अभी ये काम ऐसा है जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ आप दिल से खुश नहीं हैं, आपको कुछ टेंशन्स हो सकती हैं या आप उन लोगों को कैसे फेस करेंगे, पॉलिटिक्स हो सकती है आपके पास आसपास बहुत हो रही है, या आप उन लोगों की एनर्जीज को पक्का सेंस कर लेते होंगे कि हाँ ये लोग मेरे बारे में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, या मैं इन लोगों की वजह से मैं आगे उन ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात? तो भी ये सभी टेंशन्स, एंग्जाइटी या स्ट्रेस के साथ आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस करियर को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है विद द किंग ऑफ कप्स, एक ऐसी एनर्जी में जाना, एक ऐसी पोजीशन में जाना और ऐसे काम में जाना, वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, समझ रहे हैं मेरी बात? कि वो पोजीशन को हासिल करना, खास करके जिस चीज़ के लिए आप बने हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ये आप डिज़र्व करते हैं, आप किंग ऑफ कप्स हैं, आप एक किंग हैं, उस पोजीशन को डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पे उस पोजीशन के लिए, या मैं कहूँगी जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं उसके लिए ये चेंज आ रहा है। और बहुत लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी, यहाँ पे बहुत चांसेस हैं आपके करियर चेंज का, खास करके ट्रैवल का। ट्रैवल करके हो सकता है घर से बहुत दूर हो और आपको अपने घर से दूर जाना हो सकता है, ये थोड़ी इनसिक्योरिटी की बात हो सकती है आपके लिए, या मैं कहूँगी कि थोड़ी सी स्ट्रेस की भी बात हो सकती है। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं अभी आपको अगर थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए बहुत ही स्टेबिलिटी और आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाली है। क्योंकि मैंने क्या बोला ना, जब भी चेंज आता है वो कभी कंफर्टेबल नहीं होता, वो हमारे कंफर्ट जोन से आउट होता है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पे बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप ही के भले के लिए और आप ही की इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए और आप ही के अच्छे के लिए आ रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कुछ गुड न्यूज़,
आने वाले समय में कहीं से कोई कम्युनिकेशन आना, कोई ऑफर आ सकता है डेफिनेटली. जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे सडन चेंज है, सडन कुछ क्विक चेंजेस आ रहे हैं. आपको कोई ऐसा ऑफर लेटर आना, या कहीं आपने अप्लाई करा था, या कहीं से किसी भी तरीके से कोई न्यूज़ मिलना आपको जो आपके पैशन से, आपकी इमोशन से जुड़ी हुई हो, समझ रहे हैं मेरी बात, तो उसको लेकर के थोड़ा आप कंफ्यूज रह सकते हैं. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हाँ ये जगह बहुत दूर है और ये मैं कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, समझ रहे हैं मेरी बात. तो ये चीज़ें हो सकती हैं, इनको थोड़ा आपको मैनेज करना है. लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द किंग ऑफ कप्स कि आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे बहुत ही कम्फर्टेबली, ठीक है. और ये देखिए यहाँ पे क्या है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. ये देख रहे हैं कि ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, लोग इस लेडी को इसे पॉइंट कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ये अपने में मस्त है, ये अपने में मस्त है. इसे पता है कि इसे क्या करना है, इसे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो वही एनर्जी जो है इस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी ही करियर में. मैं कहूँगी अगर आपको कुछ कोई कुछ कह रहा है या आपके खिलाफ़ कुछ षड्यंत्र कर रहा है, आपको उसका पता है, लेकिन आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है. और अगर कोई आपको कुछ कहता भी है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो एनर्जी है. और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे द सन की भी एनर्जी आ रही है. देख रहे हैं वो सक्सेस मिलना, ये जो एनर्जीज है ना, ये इसीलिए है आपके सक्सेस के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, और ख़ास करके मैं कहूँगी वो इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, या चेंज है. लेकिन यस, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब भी हम अपना अच्छे के लिए कुछ चेंज करते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, या थोड़ा सा आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें अचीव कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, या मैं कहूँगी जिस चीज़ के लिए आप बने हैं बेसिकली, ठीक है. चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आपकी. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स. जितने भी एक्वेरियस कुंभ राशि वाले मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी हेल्थ जनवरी 2022 कैसी रहेगी. थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए. थैंक यू जनवरी 2022 एक्वेरियस. ओके, यहाँ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स. देखिए यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, यहाँ पे थोड़ा ना आपको जनवरी मंथ में रेस्ट की ज़रूरत है. ये रेस्ट, ये आपका फिजिकल रेस्ट भी है और मेंटली रेस्ट भी है, तो प्रॉपर वे में, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो काम बहुत ज़्यादा है. क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ नई चीज़ें चलना, खास करके आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज हो रहा है, हीलिंग हो रही है, बहुत चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं आप. तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी एंजाइटी, मैं कहूँगी थोड़ा ये सब चीज़ें. तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप प्रॉपर वे से आप अपने आप को समय दें, समय पर सोएं, समय पर उठें, प्रॉपर वे में रेस्ट करें, अपनी बॉडी की कॉलिंग को सुनें. जहाँ आपको लग रहा है कि यस अब आपको ब्रेक लेना है, वहाँ आपको ब्रेक लेना है. कंटिन्यूसली आपको काम नहीं करते रहना है, समझें. क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि यस आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहीं आपको थोड़ा सा वो ब्रेक लेने की ज़रूरत है. खास करके मैं कहूँगी कि रात का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर सोना आपको ज़रूरी है. अगर लेट नाइट अगर आपको फ़ोन चलाने की या फ़ोन देखने की, या मैं कहूँगी लैपटॉप पे ज़्यादा टाइम बिताने की अगर आपको आदत है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा. और अगर आपको ये भी हैबिट है कि आप रात के टाइम पे कैफीन लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह आप लेते हैं, तो उसे भी अवॉइड कीजिएगा. वो भी आपकी नींद में थोड़ी खलल डालने में करता है, क्रिएट प्रॉब्लम होती है. तो यस, यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में रेस्ट लेना है. ऑल ओवर ऑल देखा जाए तो आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ कोई इशू नहीं है. बस यही है कि ये जो थोड़ा स्ट्रेस है, आपको बस अपनी
अपनी बॉडी की कॉलिंग को सुनना है, समझ रहे हैं मेरी बात? जहां आपको लगे कि यस इस वक्त मुझे रेस्ट चाहिए तो चाहिए, और जहां आपको लगे कि यहाँ अब ओवर हो रहा है, मेरी बॉडी अब आगे वर्क नहीं करेगी या मेरा माइंड अब आगे वर्क नहीं करेगा, ब्रेक टाइम लीजिए और रात को समय से सोना है, ठीक है? तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपके प्रभु की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि जनवरी 2022, क्या गाइडेंस है? ओके, ये कार्ड आना चाहता था, हम ले लेते हैं, ये भी आना चाहता है। ओके ओके ओके, देखते हैं क्या क्या गाइडेंस है। ओके, नथिंगनेस। देखिए मैंने बोला ना रेस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए क्या मैसेज है। चलिए पहले हम और निकालते हैं, देन हम क्लियर करते हैं। एक्वेरियस, अपने माइंड को ना शिफ्ट कीजिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा भरे हुए हैं इस वक्त, जो कि चीज़ें आपके आसपास इस तरीके की चल रही हैं, जो कि यहाँ पे स्प्रेड दिख ही रहा है कि इस वक्त में या पास्ट में आपका जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी कुछ हुआ है, या आपके करियर के लिहाज से कहूँ, आपकी जॉब के लिहाज से अगर मैं कहूँ, जो भी माहौल बन रहा है, तो डेफिनेटली उससे बहुत स्ट्रेस होता है। तो वहाँ पे हम बहुत एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं या यही कह रहे हैं कि अपने माइंड को क्लियर कीजिए। नथिंगनेस, सोचना नहीं है कुछ भी, क्लियर कर दीजिए अपने माइंड को। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें क्लियर कर दीजिए। दिस इज़ अ क्लीन स्लेट। ओके, ये एक क्लीन स्लेट है, इसे क्लीन कर दीजिए और इसे चार्ज कीजिए पॉजिटिव एफर्मेशन से, पॉजिटिव थॉट से। तो आपको बेसिकली आपको करना क्या है, जनवरी मंथ में, पूरे जनवरी मंथ में आपको करना क्या है, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स को एंट्री नहीं देने देनी है। जहाँ नेगेटिव थॉट्स आए वहीं पॉजिटिव एफर्मेशंस डालना शुरू कर दीजिए, ताकि वो पॉजिटिविटी आपके आपको मिले, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, कॉन्शियसली भी आप उसे बोलें और यूनिवर्स में वो आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशंस जाएंगी तो आपकी तरफ भी पॉजिटिविटी आएगी, आपकी तरफ भी ब्लेसिंग्स जल्दी ही खींची चली आएंगी। तो ये करना है आपको, अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना है, ब्लैंक करना है, बिल्कुल शून्य, ख़त्म, फिनिश, उसमें होना ही नहीं चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, लेजीनेस। ये 9 की एनर्जी है, तो ये हमेशा से ही मैं कहूँगी, अगर इस वक्त पे आप अगर बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगी अवेयर रहने की ज़रूरत है। ख़ास करके अगर आपके आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं, जैसे कि आपके करियर रीडिंग में भी आया ही है द डेविल का कार्ड, या आप, यस बिल्कुल, तो या आपकी पर्सनल एरिया में भी कुछ इस तरीके के अगर लोग हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि ये ना एकदम से ये वो एनर्जी है कि एक पर्सन बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है और लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी तरफ क्या खतरा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, कौन आपके अच्छे में है, कौन आपके बुरे में है, कौन आपके पीछे कुछ कर सकता है। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो प्लीज़ उन जैसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, उनसे थोड़ा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है? जिस भी तरीके से उनको लेकर के आपको बहुत, मैं कहूँगी, केयरलेस नहीं होना है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि जहाँ क्या कहते हैं, ध्यान हटा वहीं कुछ इस तरह से है ना, दुर्घटना घटी लाइक समथिंग, तो ये वही एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें हैं आपके आसपास, कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा अवेयर रहिए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, ठीक है? और यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी है, जो कि यही बताती है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यू आर द क्रिएटर। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप एक क्रिएटर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, अपना तो भला आप करेंगे ही करेंगे, साथ में लोगों का भी भला करेंगे। यहाँ पे आपका, मैं कहूँगी, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है बहुत फोकस में है, तो उसकी मेडिटेशन कीजिए, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। येल्लो कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं कहूँगी येल्लो इज़ योर लकी कलर,
जनवरी मंथ के लिए, ठीक है, येलो कलर का जितना हो सके कपड़ों में, हैंकी में, या अपने पर्स या किसी भी तरीके से उस कलर को यूज़ कीजिए, और येलो कलर के फ्रूट्स को खाइए, और जितना हो सके येलो कलर के टच में रहिए, फ्लावर्स लगाइए येलो कलर के, तो उससे क्या है, और ख़ासकर सोलर प्लेक्सस चक्र आपको स्ट्रॉन्ग करना या उसे बैलेंस करने का और स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना, ठीक है। तो उससे हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है वो स्ट्रोंग होता है, और सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो सन से कनेक्टेड होता है, सूर्य से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे उस एनर्जी से आपको जुड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे बेसिकली उन आइडियाज़ से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, ओके। और यहाँ पे यस, ये देखिए सेलिब्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेलिब्रेशन का कार्ड। सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है, ये देख रहे हैं, जितना भी तूफान है, जितना भी तूफान है, उसके बाद आपके पास जो आएगा ना, क्या है वो, सेलिब्रेशन। तो डरना नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ट्रस्ट रखना है। कठिनाइयों के बाद हमेशा, मैं कहूँगी टफ साइकिल के बाद हमेशा अच्छा, क्या कहते हैं उसे, रात के बाद सवेरा होता ही है, ठीक है ना। तो सूरज उगता ही है, तो आप उस सूरज की ओर जा रहे हैं, उस अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, इससे आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं, सूर्य की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट्स ही आपको ला करके देंगे। और ये देखिए, ये जो ये थ्री कार्ड्स हैं हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। रिसेप्टिव मोड में रहना है, अपने हार्ट को ओपन करना है, दैट्स व्हाई हमारे पास आपके पर्सनल एरिया में भी हमारे पास जो हीलिंग का कार्ड आया था, यही है। रिसेप्टिव मोड में रहिए, अपने हार्ट को हील कीजिए और ओपन कीजिए, जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। जब तक आप अपने हार्ट को ओपन नहीं करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे। और ये जो पीरियड है आपका विद द टावर मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें जो है बदल रही हैं। इस समय मैं कहूँगी ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, लक आपके साथ है, चीज़ें टर्न ले रही हैं। लेकिन जब चीज़ें बदलाव में आती हैं, चेंज कभी भी ईजी नहीं होता, बिलीव भी, चेंज कभी भी इजी नहीं होता। लेकिन उस वक्त हमें ये टफ लगता है, लेकिन बाद में जो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे, बिलीव कीजिए, और मैं कहूँगी यूनिवर्स का साथ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपके लिए यहाँ पे कुछ देखते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस, ओके। थैंक यू एंजल्स, क्या हैंड रिटन मैसेजेस, क्या बताना चाहते हैं आप, ये खेल देना है। थैंक यू, ओके, क्या अफर्मेशंस हैं आपके लिए, क्या चीज़ें आ रही, देखते हैं। एक्वेरियस, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। देखिए कुछ लोग जो है ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हार्ट जो है वो हील होना और ओपन होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ को लेकर के आप वुंड्स को लेकर के आप कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिटरली मैं कहूँगी वो ट्रू सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपके लिए। अपने हार्ट को हील कीजिए और ओपन कीजिए। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न, गुड लक इज कमिंग टू यू। देखा मैं, यहाँ पे तो है ही है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, गुड लक आपकी तरफ ही है, और यूनिकॉर्न की एनर्जी है। कुछ लोगों को यहाँ पे स्पिरिट गाइड यूनिकॉर्न हो सकते हैं, आप यूनिकॉर्न की एनर्जी के साथ भी काम कर सकते हैं। चाहे तो यूनिकॉर्न की फ़ोटो जो है निकाल करके आप अपने दीवार पे लगा सकते हैं, वॉल पे लगा सकते हैं, अपने करियर जहाँ पे भी जॉब है आपका, आपका कैबिन है वहाँ लगा सकते हैं, डेस्क पे लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप यूनिकॉर्न की एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, ये आपके लिए गुड लक ही लेकर आए। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, तभी आपके लिए आए हैं। गुड लक इज कमिंग टू यू, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, गुड लक आपके साथ है।
जो भी चीज़ें हैं उन्हें डिसाइड कर लो, कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग एनर्जी भी थी हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपको डिसाइड करना है आपको करना क्या है, किन चीज़ों के साथ आगे लाइफ को कंटिन्यू करना है, किन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रही हैं, वेरी सून। नेक्स्ट है रिलीज, यस, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मे वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, टाइम टू मूव ऑन। देखिए पास्ट को लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके रास्ते में है। ये टाइम जो है मूव ऑन करने का है पुरानी ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से, अनहेल्दी लोगों से जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपके भले में नहीं है। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, रिबर्थ जो हमारे पास जजमेंट का कार्ड था, मैंने आपको बोला था ना रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है मुझे। तो लिटरली यहाँ पे यूनिवर्स ने, मैं कहूँगी, मोहर लगा दी है उस बात पे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, तो कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली रिकंसिलिएशन मैं देख रही हूँ, ठीक है, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी ये आपके लिए है एफर्मेशन, आई एम वर्थी, आप जो डिजर्व करते हैं ना वही आपको मिलेगा, तो ये एफर्मेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सी और क्या है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो ये इन एफर्मेशंस का आप ज़रूर मैं कहूँगी इस माइंड में, इस ब्लैंक माइंड में इन एफर्मेशंस को डालिए, ठीक है। और भी एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ठीक है, अपनी लाइफ को अबंडेंट बनाने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।